नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है, जहाँ पर इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि निगम ने कार्रवाई करते हुए पट्टा अतिक्रमण हटाया है, जहाँ पर अस्थायी और अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। बड़े समय बाद पाटनीपुरा रोड चौड़ी दिख रही है। रोड के बैकलेन में बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर के साथ ध्वस्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की इंदौर से, जहां पर बता दें कि इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया, अस्थायी और अवैध दुकानों को ध्वस्त किया है। साथ ही बड़े समय बाद पाटनीपुरा रोड अतिक्रमण हटने के बाद में चौड़ी दिखाई दे रही है। रोड के बैकलेन में बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो बड़ी कार्रवाई सामने आई है नगर निगम की, जहां पर अवैध दुकानों को हटाया गया है। बता दें कि अतिक्रमण हटाया गया है निगम के द्वारा, जहाँ पर इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। बता दें कि अस्थायी और अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं बड़े समय बाद पाटनीपुरा रोड पर अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कें चौड़ी दिखाई दे रही है। रोड के बैकलेन में बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर से अवैध जो दुकानें बनाई गई है उन्हें ध्वस्त किया गया है और निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर निगम की कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि निगम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया, अस्थायी और अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। तो वहीं बड़े समय के बाद में पाटनीपुरा रोड में सड़कें चौड़ी दिखाई दे रही है। रोड के बैकलेन में बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर से अवैध दुकानों को निगम के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है।